गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज श्वेता सिंह। आज आप लोग फ्री क्लासेस का ये दूसरा क्लास है। हम लोग कल्चरल ज्योग्राफी को स्टडी कर रहे थे, उसी में आगे बढ़ेंगे। आप सब लोगों को स्क्रीन जो है वो विजिबल है? लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स, लेट देम ज्वाइन। ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोगों को स्क्रीन विजिबल हो रही है एंड आई एम ऑडिबल टू ऑल? आप लोग को सुनाई भी दे रहा है ठीक से? हम लोग आज कल्चरल ज्योग्राफी में जो लास्ट हमने स्टडी करा था उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो आज हम लोग सेकंड क्लास है हम लोगों की, कल्चरल ज्योग्राफी फ्री क्लासेस। इसमें मेरी ये क्लासेस 2 दिन होंगी, मंडे और वेडनेसडे को, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 टॉपिक आज हम लोग बेसिकली कवर करेंगे, कल्चरल इकोलॉजी, डिफ्यूजन, कल्चरल डिफ्यूजन एंड कल्चरल हेरिटेज, ठीक है? लेट्स बिगिन द क्लास। सबसे पहले देखो कल्चरल इकोलॉजी, एक कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज कल्चरल इकोलॉजी? कल्चरल इकोलॉजी को बेसिकली ऐसे समझिए कि ह्यूमंस किस तरह से अडाप्ट करते हैं अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में। अडाप्टेशन तो समझ में आता है आपको, कि जो कुछ भी एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा होता है, क्लाइमेटिकली जो चेंज आता है, या फिर समझिए आपके जमीन पे जो चेंजेस आते हैं, आपके हैबिटेट्स अगर यहाँ से वहां मूव कर दिए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग किस तरह से ह्यूमंस अडाप्ट करते हैं और उसका इम्पैक्ट उनके कल्चर या उनके सोशल लाइफ पे कैसा पड़ता है। किस चीज का इम्पैक्ट? इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है? जो भौतिक पर्यावरण है उसका उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर, मनुष्य के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम कल्चरल इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट के अंदर स्टडी करते हैं। जूलियन स्टुअर्ट ने अपनी एक बुक लिखी थी जो 1955 में पब्लिश हुई थी। बुक का नाम था द थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज, द मैथोलॉजी ऑफ मल्टीलिनियर इवोल्यूशन। एक साथ बहुत तरह के इवोल्यूशंस हो रहे हैं और किस तरह से कल्चर चेंज हो रहा है, इस पर उन्होंने एक बुक लिखी थी। बुक का नाम आपके पास है, बुक पब्लिश हुई 1955 में। उसके अंदर इन्होंने कल्चरल इकोलॉजी को ऐसे डिफाइन किया कि ये एक ऐसी डिवाइस है। क्या? कल्चरल इकोलॉजी एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑन कल्चर क्या है। मतलब अगेन, हमारे पर्यावरण का हमारे संस्कृति पर कैसा प्रभाव पड़ता है, अगर इसको समझना है तो कल्चरल इकोलॉजी को समझना होगा। कल्चरल इकोलॉजी आपको ये समझने में हेल्प करती है कि भौतिक पर्यावरण का मनुष्य के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कल्चरल इकोलॉजी के अंतर्गत कल्चर को हमेशा कैसे देखा जाता है? इवोल्यूशनरी फेज में देखा जाता है कि कल्चर हमेशा विकसित हो रही है, हमेशा चेंज हो रही है, बहुत ही डायनामिक है, कुछ नया नया उसमें जुड़ रहा है और इस तरह से कल्चर इवॉल्व हो रही है। इसमें अडाप्टेशन को जो है वो माना गया है कि वो इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से आता है। तो किसी भी सोसाइटी में जिस भी तरह का अडाप्टेशन आप देखते हैं वो सिर्फ इंटेलिजेंस की वजह से नहीं आता है, वो इस वजह से भी आता है कि उस इन्वायरमेंट की वो प्रेशर में वो जी रहे हैं, उस एनवायरमेंट में वो कंडीशंस बना दिए गए हैं कि एक पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ में आपको जीना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका साइंटिफिक जो अचीवमेंट भी होगा वो उसी कल्चर, उस कल्चर के अंदर वहां पे पाए जाने वाले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की वजह से होगा, ठीक है? जैसे कि जो टेरेस फार्मिंग होती है बहुत जगहों में, इंडिया के हिल रीजन्स में या और भी हमारे ईस्ट एशियन कंट्रीज में, है ना, सीढ़ी नुमा खेती होती है पर्वतीय ढालों पर। तो क्यों होती है? ऐसा तो नहीं है कि लोग जानते नहीं है कि और जगहों पे खेती जो होती है प्लेन जमीन पे होती है, उनके पास प्लेन जमीन अवेलेबल ही नहीं है, या फिर है भी तो बहुत कम है। ज्यादातर जमीन कैसी है? पर्वतीय जमीन है, ढाल वाली जमीन है, स्लोप बहुत हाई है। तो ऐसे स्लोपी लैंड में 2-3 चीजों का खतरा है। पहले तो इनको समतल बनाना बहुत मुश्किल है, दूसरा इस पर अगर बारिश होती है तो इरोजन बहुत तेजी से होगा, क्योंकि क्या होगा, स्लोप के सहारे जमीन जो है मिट्टी के साथ मतलब पानी के साथ मिट्टी की ऊपरी परत बह के जो निकल जाएगी, और वही ऊपरी परत सबसे फर्टाइल, सबसे उपजाऊ परत होती है। तो इस तरह के जो कंडीशंस इन्वायरमेंट की वजह से आ रहे हैं, पहला क्या, जमीन का स्लोप जैसा है, दूसरा
बारिश होती रहती है बहुत ज्यादा, क्लाइमेटिक कंडीशन अलग टाइप के हैं, तो ऐसे में खेती तो करनी है, तो वो लोग क्या करते हैं, तब उन्होंने सीढ़ी नुमा खेती को, जो खेत के मैदान थे उनको मैदान ना बना करके सीढ़ी नुमा खेती के फील्ड उन्होंने डेवलप किए। तो ये टेरेस फार्मिंग का आइडिया, आज सबको पता है कि टेरेस फार्मिंग हो सकती है, लेकिन प्लेन्स में तो लोग नहीं प्रैक्टिस करते क्योंकि प्लेन में उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हिल्स में आज भी क्या होती है, टेरेस फार्मिंग होती है। तो ये जो टेरेस फार्मिंग है एग्जाम्पल है कि इन्वायरमेंट किस तरह से कंट्रोल करती है कल्चर सोशल लाइफ को, और इसी तरह से वहां के सोचने के ढंग को, उसी तरह से वहां पे आविष्कार भी होंगे। ठीक है, तो ये कल्चरल इकोलॉजी एक्सप्लेन करती है जो भी सोशल और कल्चरल चेंज हो रहा है किसी इन्वायरमेंट में, किसी भी सोसाइटी में, उसमें नेचुरल कॉजेस का क्या रोल है और वो किस तरह से इसको कंट्रोल करती है, नेचुरल कॉजेस। ठीक है, इन्वायरमेंट में जो भी है वो सब नेचुरल कॉजेस हैं। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप लोग देखो, टेरेस फार्मिंग हो सकता है, एस्किमोज जो रहते हैं नॉर्थ अमेरिका या नॉर्दर्न साइबेरियन रीजन्स में, उनका जो पहनावा है, उनका जो भोजन है, उनकी जीवन जीने की जो शैली है, वो सब किस पे डिपेंड करती है, वहां की ज्योग्राफी पे, वहां के एनवायरनमेंट पे। उसी तरह से जो डेजर्ट में रहने वाले नोमाड्स हैं उनका, या फिर जो जहाँ पे ट्रांस ह्यूमंस प्रैक्टिस की जाती है, मतलब जैसे कि जो गुज्जर प्रजाति के लोग होते हैं, जो पशुचारक होते हैं, जिनका मेन, जिनके जीवन का मुख्य जो व्यवसाय है वो पशुचारण करना ही है, तो वो क्या करते हैं, अगर वो पहाड़ी पर ऊपर जहाँ पे बहुत ठंड है वहां पे वो भेड़ बकरियों के साथ रहते हैं, तो जब वहां बर्फ पड़ने लगती है तो वो नीचे आ जाते हैं थोड़ी सी गर्म जगह पे। क्यों? क्योंकि ऊपर एक तो बर्फ की वजह से क्लाइमेट बहुत ज्यादा ठंडा है, और दूसरा घास उगना बंद हो जाती है, तो वो अपने जानवरों को कुछ खिला नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो अपने जानवरों के साथ ही नीचे आ जाते हैं। फिर जब तक नीचे का एनवायरमेंट ठीक ठाक रहता है, जब तक यहाँ पे फूड सप्लाई रहती है, वो यहीं पे रहते हैं, और जब धीरे धीरे गर्मी नीचे बढ़ने लगती है तो मतलब ऊपर भी क्या हो जाएगा, बर्फ पड़नी बंद हो जाएगी, तब वो अपने जानवरों के साथ फिर से ऊपर चले जाते हैं। तो ये बार बार जो पहाड़ के ऊपर से, पहाड़ ढालों से, पहाड़ के मतलब पर्वतीय पदीय प्रदेशों में जो बार बार आते जाते रहते हैं, ये क्यों करते हैं? ऑफकोर्स इसमें क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल है। अब क्लाइमेट का रोल है तो वो क्या हो गया, नेचुरल कॉज हो गया, यानी कि इन्वायरमेंटल कॉज हो गया, किस चीज पे, उनके कल्चरल सोशल लाइफ के ऊपर। तो ये जो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं ये डिफाइन करते हैं, इसी को हम कल्चरल इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप कल्चरल इकोलॉजी आप लोगों को क्लियर हो गई है। दो तीन बातें इसमें आपको ध्यान रखनी है, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, किसकी बुक थी, और इसके अंदर क्या एग्जाम्पल्स आते हैं, और स्टडी बेसिकली क्या स्टडी किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा टर्म है देखिए, कल्चरल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का नॉर्मल बेसिक मतलब ये होता है कि मॉलिकुलर लेवल पे, अणु या परमाणु के स्तर पे भी किसी भी चीज का मूवमेंट, एक जगह से दूसरे जगह जाना, उसी को कहते हैं डिफ्यूजन। तो कल्चरल टर्म का मतलब क्या हुआ कि कल्चर का डिफ्यूजन, कल्चर का एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब कल्चर एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगी, जो कल्चर के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे आइडियाज हैं या बिलीफ सिस्टम्स हैं या फूड है या क्लोथिंग स्टाइल्स है, वो यहाँ से वहां जब जाने लगती है लोगों के द्वारा, तो फैलने लगता है एक कल्चर जो है सभी जगहों पे, उसके कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जब फैलने लगते हैं, तो जहां पे कोर था, जहां की वो कल्चर का आइडिया था, जहां पर वो था, वहां से निकल कर पूरी दुनिया में अगर फैल जाए तो उसको बोलेंगे कल्चरल डिफ्यूजन। ठीक है, अब ये कल्चरल डिफ्यूजन कैसे होता है, हायर कंसेंट्रेशन जहां पे, मतलब जो हर्थ है कल्चर्स के, जहां पे वो कल्चर पली, वहां से निकल के दूसरी जगह पे पहुंचना। ठीक है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर जाना। जैसे देखो, जो इटालियन फूड है वो पहले सिर्फ किस कंट्री में ज्यादा फेमस होगा, ऑफ कोर्स इटली में फेमस होगा, वहां का फूड था, लेकिन धीरे धीरे इटालियन फूड जो है पूरे यूरोप में, फिर एशिया में आ गया। वैसे ही चाइनीज फूड सिर्फ चाइना में था, लेकिन धीरे धीरे इंडिया में और फिर वेस्टर्न वर्ल्ड में भी चाइनीज फूड जो है वो बहुत पॉपुलराइज हो गया, वहां भी उसके अलग से रेस्टोरेंट्स खुल गए, लोग बहुत पसंद करने लग गए। तो ये क्या हुआ, एक तरह का कल्चरल डिफ्यूजन का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, तो कल्चरल डिफ्यूजन कई तरीके से होता है। सबसे पहले देखेंगे डायरेक्ट डिफ्यूजन कैसे होता है और फिर इनडायरेक्ट डिफ्यूजन कैसे होता है। डायरेक्ट डिफ्यूजन कैसे होता है, जब दो कल्चरल सोसाइटीज एक दूसरे के आसपास हैं, तो क्या होता है, कल्चरल डिफ्यूजन के लिए देखो दो चीजें बहुत जरूरी हैं,
कि चाहे वो पास पास के कल्चर हो या दूर दूर के, उनके बीच इंटरेक्शंस होते रहना चाहिए। और ये इंटरेक्शंस कैसे होगा, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स के थ्रू, या आज के दौर पर समझो टेलीकम्युनिकेशंस के थ्रू। तो जब तक ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन होता रहेगा, तब तक डिफ्यूजन को हेल्प करेगा, क्योंकि या तो लोग उठ के एक दूसरी जगह पे जाएं, या अगर लोग नहीं जाते हैं तो आइडियाज जाएं, और आइडियाज कैसे जाएंगे, थ्रू कम्युनिकेशन, ठीक है, बातचीत पे। तो पहले ये कम्युनिकेशन कैसे था, फिजिकल कम्युनिकेशन था, लोग खुद जाते थे बात करते थे, फिर धीरे धीरे अब क्या हो गया है, इंटरनेट के थ्रू या मल्टीमीडिया के थ्रू कम्युनिकेशंस भी जो है वो बहुत आसान हो गए हैं, और मास कम्युनिकेशन हो सकता है, एक बार में बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला डायरेक्ट डिफ्यूजन में क्या होता है कि समय के साथ साथ दो जो कल्चर्स एक दूसरे के पास पास थे, वो एक दूसरे से जब बार बार कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ आते जाते हैं, तो आइडियाज जो है वो इंटरमिक, मतलब आइडियाज जो है वो उनका आदान प्रदान होता है, और वे एक दूसरे की चीजों से प्रभावित होते हैं, और धीरे धीरे एक दूसरे की चीजों को अडाप्ट करने लगते हैं। तो इस तरह से होता है डायरेक्ट डिफ्यूजन। उसमें एक फोर्स्ड डिफ्यूजन भी एक टाइप है। फोर्स्ड कैसे होता है, मतलब बलपूर्वक कल्चर का आदान प्रदान करना, जैसे पुराने टाइम पे या आज भी अगर वॉर्स हो जाए, तो वॉर के टाइम पे क्या होता है, एक लोग जीतते हैं और एक लोग हार जाते हैं, तो जीतने वाला समाज हारने वाले समाज के ऊपर अपने कल्चरल आइडियाज को क्या करता है, थोप देता है कि ये बिलीफ सिस्टम सबसे बेस्ट है, हम जो आपको बता रहे हैं, जैसे रहने को सिखा रहे हैं वैसे रहिए, अब ऐसे टैक्स देना होगा, ऐसे कपड़े पहनने होंगे, ये ही खाने के लिए बनेगा। जैसे आप देखिए जो हमारे पास नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया में क्या देखते हैं कि वहां पे सबको, सारे पूरी जनता को, पूरे उस देश के लोगों को बिल्कुल एक तरीके से रहना होता है। तो वो एक तरह से क्या है, फोर्स डिफ्यूजन है। अगर वो कल को नॉर्थ कोरिया वाले किसी और जगह को कंक्योर कर लें, अगर ईश्वर न करे, पर अगर वो कंक्योर कर लें, तो क्या होगा, वो अपने बिलीफ सिस्टम को, क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, और अगर वो जीत जाते हैं तो अपने सारे सिस्टम को, अपने सारे बिलीफ सिस्टम को जीती हुई लैंड के पीपल के ऊपर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है फोर्स डिफ्यूजन। फोर्स डिफ्यूजन से आगे बढ़ते हैं इथेनोसेंट्रिज्म। इथेनोसेंट्रिज्म जो वर्ड है, ये 19th सेंचुरी में एक पॉलिश सोशियोलॉजिस्ट हुए थे जिनका नाम था लुडविंग, इन्होंने इस शब्द को बनाया था, बहुत पॉपुलराइज नहीं कराया था, लेकिन ये शब्द उनकी देन है, ठीक है। अब इस, ये भी एक तरह से फोर्स डिफ्यूजन से रिलेटेड टर्म है। क्यों, इथेनोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि अपने कल्चरल वैल्यूज को सबसे हाई मानना, है ना, और दूसरों को सोचना कि अरे इनका तो हमसे बहुत लो सिस्टम है, हम सुपीरियर लोग हैं। तो जब आप अपने आप को ही सिर्फ सुपीरियर समझते हो, अपने ही वैल्यूज, अपने सिस्टम्स को सुपीरियर समझते हो, तो क्या करते हो, जब दूसरी जगह जाते हो तो उन लोगों को भी कन्विंस करते हो बाय फोर्स और बाय बाय सेइंग थिंग्स कि देखो हमारा कल्चर जो है ना, मतलब मैनिपुलेट करना, ये सबसे बेस्ट है। अब ये मैनिपुलेट करने के लिए फोर्स यूज करना पड़ता है, तो लोग फोर्स यूज करते हैं, या सिर्फ क्या मैनिपुलेटिव बिहेवियर से उसको अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिस को कहा जाता है इथेनोसेंट्रिज्म, ठीक है। इसमें जो ग्रुप अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, वो अपने से बाकी सारे ग्रुप्स को वो इंफीरियर समझते हैं, तो बाकी सारे ग्रुप्स के ऊपर वो अपने कल्चरल बिलीफ सिस्टम्स ट्रेडिशंस को जो है अप्लाई करने लगते हैं। उसके इसके अलावा एक वर्ड है कल्चरल इंपेरियलिज्म। ये भी एक तरह से क्या कहेंगे, फोर्स डिफ्यूजन का ही उसी कैटेगरी में इसको भी रखा जाता है। इसमें भी लोग अपने कल्चरल प्रैक्टिसेस को, अपने कल्चरल प्रैक्टिसेस को क्या करते हैं, बहुत पॉपुलराइज करते हैं, बहुत एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है, कि ये देखिए हमारे पास तो हमारी हमारे पास ऐसे फूड है, हमारे रिलीजन में ये चीजें हैं, हमारा लैंग्वेज बहुत आसान है। तो इस तरह से अपने आप को पॉपुलराइज करना, अपने आप को एडवर्टाइज करके भी लोग क्या करते हैं, दूसरे को प्रभावित करते हैं, और फिर लोग उस कल्चर की चीजों को अपनाने लग जाते हैं। तो ये भी एक तरह का क्या है, एक इनडायरेक्ट वे में एक फोर्स्ड डिफ्यूजन ही है, ठीक है। तो ये सब है डायरेक्ट कल्चरल डिफ्यूजन के डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें फोर्स भी आता है। अब इनडायरेक्ट डिफ्यूजन कैसे होगा, इनडायरेक्ट डिफ्यूजन में या तो कल्चरल आइडियाज के थ्रू वो चीजें स्प्रेड होंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दूसरे दूसरी जगहों पे, ठीक है। चलो इसमें इसका एग्जाम्पल है, देखो जैसे कि टेक्नोलॉजी या मास मीडिया या इंटरनेट, ये सब बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कल्चरल डिफ्यूजन कराने में। कैसे, इनडायरेक्ट वे में। जैसे हमने कहा कि जो फूड है, फूड का जो कल्चर है, देखो हम लोग कहते हैं ना कॉन्टिनेंटल फूड कल्चर बहुत फेमस हो गया, मोमोज जो था बेचारा कहाँ दार्जिलिंग से चला था ऐसा मासूम सा मोमो, और उसको हम लोगों ने पहुंचाते पहुंचाते क्या कर दिया है कि वो जो एक एक तरह से स्टीम्ड फूड था,
एक तरह से हेल्दी फूड था, उसको हम लोगों ने फ्राई कर दिया, उसको तंदूर में डाल दिया, उसको अफगानी बना दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया उसके साथ, है ना। क्योंकि उस तरह से वो चला तो था, जहां से वहां से ठीक ही चला था, लेकिन अब उसको इतना पॉपुलराइज किया, तो पहले तो वो पूरे इंडिया में अवेलेबल है मोस्ट ऑफ द जगहों पे। उसके अलावा सिर्फ अवेलेबल नहीं है, वहां के टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल चेंजेस भी हो गए, ठीक है। तो ये भी एक तरह का इनडायरेक्ट डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है, क्योंकि फूड भी जो है वो बहुत प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ कल्चर है, ठीक है। कल्चर के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें बड़ा प्रोमिनेंट पार्ट है। और हमने आपको अगर याद हो लास्ट क्लास में भी कहा था कि कल्चर का वो हिस्सा जो बहुत समय तक स्थायी रहता है, बहुत जल्दी बदलता नहीं है, प्रभावित नहीं होता है, वो है फूड। तो फूड चाहे किसी भी कल्चर का है ना, लोग उसको अपना लेते हैं, लेकिन फिर भी अपना जो फूड उनको पसंद है वो भी कहीं नहीं जाता है। इसलिए बहुत तरह के फूड जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। कभी क्योंकि सबको अपने अपने फूड्स पे बहुत वो होता है, नाज होता है कि भाई हमारा मतलब ये तो हमारे यहाँ का चीज है। जैसे छठ होता है तो वहां के ठेकुआ वहां का चीज है, लिट्टी चोखा कहीं और का चीज है ना। वो ये बिहारी आदमी कहीं भी है तो उसको ये दो चीजों से लगता है कि लगाव है, ये उसके आइडेंटिटी का कहीं ना कहीं हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो चीज बहुत फटाफट चेंज होती है, ये तो वो चीज है जो बहुत जल्दी से चेंज नहीं होती है, और कल्चर का वो एलिमेंट जो बहुत फटाक से चेंज हो जाता है वो क्या है, वो होता है क्लोदिंग सिस्टम। जैसे ही अगर कोई समझो एस्किमो है, और वो एस्किमो पीपल अगर वहां से निकल के किसी गर्म जगह पर रहने आ गया, तब तो वो उतने ठंडे कपड़े नहीं पहनेगा ना, तो फटाक से उसको चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। इवन आज के टाइम पे इंडिया का जो पहले देखा जाए तो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे हर स्टेट का डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथिंग सिस्टम होता था, लेकिन अभी क्या है, मोर और लेस सिमिलर कपड़े पहनते हैं लोग। क्यों, और वो भी कहाँ से, कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड से मतलब क्या कहते हैं प्रभावित है, कुछ कहीं से। तो फैशन जो है क्या है, क्लोथ्स का है, और फैशन क्या है, बहुत फटाफट चेंज होता है। तो क्लोथ एक ऐसी चीज है जो फटाफट चेंज होती है, वो भी हालांकि कल्चर का एलिमेंट है, और फूड एक ऐसा स्थायी चीज है जो जल्दी से चेंज नहीं होता है, वो बहुत समय तक रहता है। तो इनडायरेक्ट डिफ्यूजन कराने वाले जो मीडियम्स होंगे वो क्या होंगे, वो टेक्नोलॉजी, मास मीडिया, इंटरनेट, ये सब होंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है, धीरे धीरे आराम आराम से, लेकिन कल्चर जो डिफ्यूजन है वो हो रहा है। एक कल्चर का जो भी एलिमेंट है वो दूसरी जगहों में जा करके स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। आई होप कल्चरल डिफ्यूजन आपको समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे एक डायग्राम है, ये क्या है, हायर कंसेंट्रेशन है। इस वाले हिस्से को अगर हम लोग देखें तो ठीक है, अब इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हायर कंसेंट्रेशन है, बिल्कुल यहाँ पे पूरा हायर कंसेंट्रेशन है, सब एक साथ हैं, और उसके बगल में क्या हो जा रहा है, यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है। ये लोग इतना बड़ा रीजन जो खाली था पूरा, ये कल्चरल आइडियाज जो थी, जो एक जगह पे कंसेंट्रेटेड थी, वो अब इस पूरे रीजन में फैल गई हैं, स्प्रेड आउट हो गई हैं। इसी चीज को, इसी तरह से आइडियाज फैले, फूड फैले, कोई कल्चरल एलिमेंट का, कल्चर का कोई भी पार्ट इस तरह से अगर एक पूरे एरिया को कवर करता है, स्प्रेड हो जाता है, तो इस प्रोसेस को, इस घटना को कहते हैं कल्चरल डिफ्यूजन, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट, कल्चरल हेरिटेज क्या है। कल्चरल हेरिटेज में जो हेरिटेज शब्द का मतलब होता है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, समथिंग दैट इज इनहेरेंट, मतलब जो जनरेशन टू जनरेशन आपके पास आ रही है उसको कहते हैं हेरिटेज। कि भैया ये हमारे, जैसे हम कहते हैं ये हमारा फैमिली हेरिटेज है, कैसे, कि ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ हमारी फैमिली में ना, खानदानी निशानी है ये हमारी। तो इसी तरह से इस खानदान को थोड़ा बड़ा कर दिया जाए अगर, तो एक एक पूरी कंट्री में जो चीजें चलती हैं, जो उनके मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो उनका नॉलेज है, पेंटिंग्स हैं, ड्राइंग्स हैं, ठीक है, तो वो सब कुछ क्या होता है, उस पर्टिकुलर कंट्री का जो कल्चर है, या उस एक कंट्री में अगर 10 कल्चर एक साथ है, जैसे इंडिया में, तो हर कल्चरल समुदाय का, हर कल्चरल कम्युनिटी का कुछ ना कुछ अपना ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जिसको वो मानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जनरेशन टू जनरेशन उस चीज को उतना ही इंपॉर्टेंस देते रहते हैं, तो वो चीजें हो जाती हैं क्या, कल्चरल हेरिटेज। अब ये कल्चरल हेरिटेज जो है, जरूरी नहीं है कि सब टेंजिबल हो, कि सारे बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, बुक्स, ऐसा नहीं, वो भी है, वो भी पार्ट है इसका, और इनटेंजिबल जो चीजें हैं वो भी कल्चरल हेरिटेज का पार्ट होती है, ठीक है। तो कल्चरल हेरिटेज का जो बड़ा पार्ट है, ऑफ कोर्स वो फिजिकल चीजें हैं, जो टेंजिबल चीजें हैं, आर्टिफैक्ट जिसको कहेंगे आप, साथ में इंटेंजिबल चीजें भी हैं। जो इंटेंजिबल चीजें हैं वो होती हैं जैसे कि म्यूजिक, स्किल,
जैसे कि पेपर बनाने का स्किल, आज भी चाइना के जो हैंडमेड पेपर होते हैं वो बहुत क्या कहते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका अपना एक क्या कहते हैं उसको, लोगों के बीच में उनका अहमियत है और लोग चाहते हैं कि हमारे पास हो। इसी तरह से कहीं की ऑयल पेंटिंग बड़ी मशहूर होती है, कहीं का मार्बल का मॉन्यूमेंट्स बड़ा मशहूर होता है, ठीक है, लकड़ी के खिलौने कहाँ के बड़े मशहूर हैं, तो वो उस कल्चर का हिस्सा है, उस कल्चर का हेरिटेज है। तो जो इस तरह की चीजें जब यूनाइटेड नेशन जो यूनेस्को है जब वो समझती है कि इस तरह की जो टेंजिबल और इंटेंजिबल पार्ट्स ऑफ एनी कल्चर हैं, जो आगे जाने आगे के फ्यूचर में भी उनको हमको संभालने की जरूरत है, फ्यूचर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो उन चीजों को यूनेस्को जो होता है अपनी तरफ से क्या साइट कर देता है, उसको यूनेस्को हेरिटेज साइट के तौर पे चिन्हित कर देता है। और तब उन चीजों का संरक्षण, उनका मेंटेनेंस, चाहे वो कोई भी चीज हो जिसको उसने कहा कि भाई यूनेस्को हेरिटेज सेंटर है, तो फिर उनका मेंटेनेंस का सारा प्रोसेस, सारा खर्च कौन उठाता है, यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस उठाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, जैसे कि देखो ये है आगरा फोर्ट, अजंता केव्स। अब इनको यूनेस्को का हेरिटेज साइट का दर्जा कौन से ईयर में मिला, यहाँ पर वो मेंशन है, ठीक है। तो कभी किसी एग्जाम में फर्स्ट पेपर में ऐसे या कभी आ जाए तो देख लेना, ठीक है, कि कौन सा साइट है, किस स्टेट में है और कब उसको यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा मिला, वो इस टेबल में मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये और बाकी जो साइट्स हैं उनका नाम है, अगर आपका कोई स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम होगा ना, तो अपने स्टेट के हेरिटेज साइट्स को जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। और साथ ही जो रीसेंट हेरिटेज साइट्स, मतलब अभी जो रीसेंट जुड़े हैं पिछले 2-5 सालों में, मतलब पिछले 5-10 सालों तक का जो भी हेरिटेज नया साइट जुड़ा है, उनको भी एक बार जरूर अपने आपने उसको करना है, याद रखना है उसको, उसको जरूर एक बार चेक करना है कि हो सकता है वो इंपॉर्टेंट हो जाए एग्जाम के लिए, ठीक है। ये कुछ अगर आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आई होप कुछ ना कुछ घूमने का शौक रखते होंगे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हेरिटेज सेंटर्स हैं। ये देखो, ये जंतर मंतर है जयपुर में, जंतर मंतर और भी कई सारे शहरों में है, अलग अलग स्टेट्स में है, आप कमेंट में बताइएगा कौन कौन से स्टेट्स में है। और ये है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान वालों को पता होगा जो, या फिर राजस्थान अगर आप घूमने गए हैं तो, राजस्थान में बहुत सारे ऐसे हिल फोर्ट्स हैं, बहुत से ऐसे महल हैं, किले हैं जो यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एलोरा, अजंता केव, सन टेम्पल, कहाँ पे है सन टेम्पल, ये कहाँ के सन टेम्पल का इमेज है, ये कोणार्क उड़ीसा के सन टेम्पल का इमेज है, ठीक है। ये है वेस्टर्न घाट, ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है। इस मैप में आपको इंडिया के जितने इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो सारे मेंशन हैं, ठीक है। और ये इन हेरिटेज साइट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग होता है माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, इसको भी हेरिटेज साइट के अंतर्गत रखा जाता है। लेट मी चेंज द इंक। सो इसमें देखिए, जो तीन मेजर रेलवे लाइंस है इंडिया की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आती है, एक है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो लगभग 88 किलोमीटर लॉन्ग है, और अभी भी, और ये तीनों की तीनों रनिंग है, ऐसा नहीं है कि अब ये नहीं बंद हो गई है, चलती नहीं है, अभी भी ये चलती है, बहुत ही खूबसूरत रेलवे लाइंस हैं। दूसरी है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ये 46 किलोमीटर लॉन्ग ट्रैक है, और ये क्या है, मीटर गेज है, ये इंडिया का इकलौता सिंगल ट्रैक मीटर गेज है जो इंडिया में अभी भी चलता है, और वो है तमिलनाडु स्टेट में, ठीक है। उसके बाद है कालका शिमला रेलवे, ये 96 किलोमीटर, सबसे लंबा है ये हमारे हेरिटेज रेलवे लाइंस में, कौन सा, कालका शिमला रेलवे, और ये भी जो है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको कालका शिमला रेलवे को हम लोगों ने, यूनेस्को ने इसको कब दर्जा दिया है, 2008 में इसको माउंटेन रेलवे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेलवे ट्रैक्स हैं। अब मीटर गेज क्या होती है, ऑफ कोर्स वो इस तरह माउंटेन रीजन में और प्लेन रीजन की रेलवे सिस्टम एक जैसी नहीं होती है, यहाँ देखो ये कांटे जैसी ना, ये कांटे वाली व्हील्स बनती हैं, कांटे वाले ट्रैक बनते हैं, ठीक है। तो इनको कूगविल रेलवे कहते हैं, रैक एंड पिनियन रेलवे कहते हैं, कॉग रेलवे कहते हैं, ये अलाउ करती हैं टफ माउंटेनियन ट्रैक्स में भी रेलवे में, रेलवे लाइंस को बनाने में, और इसके ऊपर जो है हमारी रेलगाड़ी चलती बहुत आराम से है,
ठीक है, तो दिस इज व्हाट रैक रेलवे मींस, इसको आराम से आप पढ़िए। सिर्फ इंडिया के पास सिर्फ नीलगिरी माउंटेन रेलवे है जो मीटर गेज है, जो तमिलनाडु में है, और ये ब्रिटिश पीरियड में 1908 में बनाया गया था और अभी तक क्या है, फंक्शनल है, ऑपरेशनल है। इसके अलावा इंडिया में कुछ नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं जो करीब कितने हैं, 7 हैं, और मिक्स्ड एक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है। यहाँ पे मैंने बताया था कल की क्लास, अगर आप लोगों ने नहीं किए तो नहीं जानते होंगे, कंचनजंगा नेशनल पार्क में क्या पाया जाता है, वर्ल्ड फेमस क्या है, राइनोसोर्स, एक सिंग वाले गैंडे, ठीक है। उसके अलावा, लेकिन ये ओरिजिनली उनके लिए नहीं बनाया गया था, ये जो नेशनल पार्क है ये ओरिजिनली टाइगर्स के लिए बनाया गया था। इसके बाद देखिए जो नेचुरल है उसमें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये ईयर्स जो है ना, ये ईयर्स तब के हैं जिस ईयर में इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस अलॉट किया बाय यूनेस्को, ठीक है, जब इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया वो ईयर यहाँ पे मेंशन है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब ये सारी सेंचुरीज कौन कौन सी या नेशनल पार्क कौन कौन से स्टेट में है ये आप लोगों ने देखना है कहाँ पे है। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क बहुत ही खूबसूरत है ये, यहाँ पे अगर कभी आप लोग चाहो तो घूमना, काफी सुंदर जगह है। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है, ये दोनों उत्तराखंड में है। मानस कहाँ पे है, एनीवन कोई जानता है तो चैट में बताएं। वेस्टर्न घाट अभी हम लोगों ने फिगर में भी देखा है इसको। तो ये तो हो गई जो नेचुरल हेरिटेज है, ये मिक्स्ड है। इसके पहले हमने क्या देखा, मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। उसके बाद अब आते हैं ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं टेंजिबल है, आप जा सकते हो, घूम सकते हो, छू सकते हो इन जगहों को। लेकिन अब इनटेंजिबल पार्ट्स की बात करते हैं। इनटेंजिबल पार्ट्स अगेन जो कि फिजिकल फॉर्म में नहीं है, जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो है इंडिया का वैदिक चैंटिंग, रामलीला परफॉर्मेंस, कई इस तरह के जो फोक लोर्स होते हैं ना, लोक संस्कृति की लोक कथाएं हैं, लोक नृत्य, लोक संगीत या हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, इस तरह की जो चीजें होंगी वो, छाव डांस कहाँ, ईस्टर्न इंडिया का डांस है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनटेंजिबल पार्ट है और ये कल्चरल हेरिटेज साइट्स भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का, कि कौन से कंट्री समूह के पास कितने कल्चरल हेरिटेज सेंटर्स हैं, कितने नेचुरल हेरिटेज सेंटर हैं और कितने मिक्स्ड हेरिटेज सेंटर्स हैं, ठीक है। ये LAC क्या है, लैटिन अमेरिका, यहाँ पे कितने कल्चरल, 100, नेचुरल 38, मिक्स्ड 8, तो टोटल कितना हो गया, 146 हेरिटेज साइट्स हैं टोटल, जो कि पूरे का 12.71% है, मतलब दुनिया में जितना भी है उनके 12.71% लैटिन अमेरिका और कैरिबियन कंट्रीज के पास है। लैटिन अमेरिका मतलब कि जो साउथ अमेरिका का जो अपर पार्ट है, ऐसा तो पूरा साउथ अमेरिका जहाँ पे लैटिन लैंग्वेज बोली जाती है ना, उसको लैटिन अमेरिका कहते हैं। कैरेबियन दोनों अमेरिका के बीच में क्या है, इस तरफ ईस्टर्न कोस्ट पे अटलांटिक सी है, तो अटलांटिक सी में करेबियन आइलैंड्स हैं, ठीक है, यहाँ भी इनको भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। ये आपका देखो यूरोपियन पूरा कंट्रीज का समूह है, सबसे ज्यादा आपको यहीं पे दिखाई दे रहा है हेरिटेज साइट, और वो भी किस तरह का, ग्रीन कलर में सबसे ज्यादा है ना, ग्रीन इज कल्चरल हेरिटेज। ये एशिया पैसिफिक का है, अरब कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है। यूनेस्को साइट्स जो होती हैं वो किस कंट्री के पास कितनी है, इस स्लाइड में, इस टेबल में ये रिप्रेजेंट किया गया है। सबसे ज्यादा है इटली के पास, कितने हैं, 57। अब देखो इटली जो है वो कहाँ से है, यूरोप से है, तो इसलिए जब यहाँ सबसे ज्यादा है, और यूरोपियन समूह में भी हमको पिछले डायग्राम में याद था कि यूरोपियन समूह में सबसे ज्यादा कल्चरल हेरिटेज साइट्स होते हैं। उसके बाद है चाइना, बस एक ही पीछे है, 56। अच्छा इंडिया में कितने हैं, 40, ठीक है। अच्छा अब ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है आज के लिए, कि जो इन्वेंशन ऑफ व्हील है ये मेसोपोटामिया में, आज के टाइम में इराक समझिए उसको, इराक का आसपास का क्षेत्र जो है उसको मेसोपोटामिया, नजला फरात नदियों के बीच वाला हिसाब, तो यहाँ पे 4th मिलेनियम BC में क्या हुआ था, इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए का आविष्कार हुआ था, जो कि मनुष्य सभ्यता का एक बड़ा इंपॉर्टेंट आविष्कार है। पहले ये कैसे थे, लकड़ी के व्हील्स बना करके उनमें एक्सिस को अप्लाई कर दिया जाता था, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो इस तरह के, बाद में धीरे धीरे इनको, ये जो है ये पूरा सॉलिड है,
ठीक है, उसके बाद में क्या किया, इसको सब खोखला बनाया गया, क्यों, ओवरऑल वेट कम करने के लिए, इसका वजन घटाने के लिए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आविष्कार है जो कहाँ हुआ था, मेसोपोटामिया में। किन लोगों ने किया था, सुमेरियन पीपल्स ने किया था, वहां पे रहने वाले लोगों को सुमेरियन कहते थे। अब ये जो व्हील है इसने दो काम आसान कर दिया, पहला तो ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि किसी भी गाड़ी में इसको अगर लगा दो तो क्या होता है, फोर्स कम अप्लाई होता था, और दूसरा इसने जो मैकेनाइजेशन का प्रोसेस था खास करके एग्रीकल्चर में, उसको बहुत बूस्ट किया, उसको बहुत तेजी से बढ़ाया, क्योंकि अब जो हल वगैरह चल रहे थे वो क्या हो गए, क्रॉप इरिगेशन वगैरह के लिए पहियों को उस उन मशीनों में लगा दिया गया, तो वो काम और ज्यादा जल्दी जल्दी हो गया। ठीक है, तो अब बताओ ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन किस चीज का है, कल्चर का। तो इस तरह से जो 7 हमने कल्चरल हर्ब्स पढ़े थे, जिसमें आपका इजिप्ट है, इंडस वैली है, अफ्रीकन कल्चर का अपना हेरिटेज हर्ट सेंटर्स हैं, तो इन सारे अलग अलग जो हर्ट सेंटर्स होते हैं ना, इनका कुछ ना कुछ विशेष योगदान होता है। और देखो पहिया भले मेसोपोटामिया में बना हो सबसे पहले, लेकिन आज ऐसा कोई जगह नहीं है जहां लोग पहिए को नहीं जानते या उसको यूज नहीं करते हैं। गाड़ी से लेकर के जो नॉर्मल आपके पास ट्रैवलिंग सूटकेसेस होते होंगे ना, ट्रॉली बैग्स जिनको आप कहते हैं, उनमें भी क्या है, पहिए लगा दिए गए हैं। पहिए पहले से ही थे लेकिन बैग्स में भी अब उनको लगा दिया। जिस भी चीज को हमें मूव करना है, और अगर उसको एक फ्लैट सरफेस पे मूव करना है, एक प्लेन जमीन पे मूव करना है, समतल सतह पे, तो वहां हम क्या करते हैं, पहिए का यूज करने लग जाते हैं, है ना। तो भले ही ये मेसोपोटामिया से आया हो, लेकिन आज ये एक यूजफुल इन्वेंशन है हर किसी के लिए। तो इसी तरह से हर कल्चर ने कुछ ना कुछ बहुत ही यूनिक और यूजफुल चीजें दी हैं, और जिसको पूरी क्या है, पूरी दुनिया, पूरी मनुष्य सभ्यता यूज करती है। तो ऐसे ही डिफरेंट कल्चरल हर्ट्स ने क्या क्या विशेष चीजें दी हैं, अगर इनको हम डिटेल में कब पढ़ेंगे, जब हम पेड क्लासेस की तरफ जाएंगे तो, ठीक है। वहां पर अगर उस अकेडमी में आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, और इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वहां पे डिटेल में मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। गुड आफ्टरनून। हाँ, मानस जो है वो असम में है। चलो बहुत अच्छा आंसर किया आप लोगों ने। जंतर मंतर दिल्ली में भी है, और जंतर मंतर जो है वो बनारस में भी है। ठीक है, और किन किन्होंने बनाया था, राजा जानते हो, जयपुर के एक राजा थे जिन्होंने ये बनवाया था। अच्छा, अगर आप लोग जानते होंगे तो इसको जरूर चैट में आप, कमेंट में आप डालिए। चलिए देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कल्चरल यूनिट फ्रॉम द हाइएस्ट टू द लोवेस्ट ऑर्डर। ठीक है, कैसे पूछ रहा है, हाइएस्ट मतलब सबसे बड़े लेवल का कौन सा कल्चरल यूनिट है, और लोवेस्ट मतलब सबसे छोटे लेवल का कौन सा कल्चरल यूनिट है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको। यहाँ आपके सारे ऑप्शंस दिए हैं, चार तरह के यूनिट्स हैं, कॉम्प्लेक्स, रेल्म, रीजन एंड ट्रेड्स। ठीक है, तो इन चारों में से सबसे छोटा यूनिट कौन सा है और सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, उसको पहले आपने आइडेंटिफाई करना है। फिर बड़े से छोटे के क्रम में इसको आपको कौन सा वाला ऑप्शन में बड़े से छोटे के क्रम में लगा है, उस ऑप्शंस को पहचानना, आइडेंटिफाई करना है, और वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आपको मैं 30 सेकेंड्स का टाइम देती हूं, आपका स्टार्ट होता है अब। चलिए फटाफट आप लोग पोल में पार्टिसिपेट कीजिए। नहीं चैट में नहीं, आप लोग पोल में इसको आंसर कीजिए। ठीक है, चैट में नहीं, इसीलिए तो पोल जनरेट किया गया कि वहां आप लोग आंसर करेंगे इसको।
चलो ठीक है, ज्यादातर लोगों ने सही ही आंसर करा है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। पहले रेल्म, फिर रीजन, फिर कॉम्प्लेक्स, फिर ट्रेड। अच्छा, कुछ लोगों ने बी भी करा है। जिन लोगों ने बी और सी करा है, तो जिन लोगों ने बी करा है ना, ज्यादातर लोगों ने, वो थोड़ा सा इसको दोबारा से एक बार आप लोग इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, दिख रहा है, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज जनरली यूज टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चरल ग्रुप्स एंड देयर नेचुरल एनवायरमेंट। इनमें से कौन सा टर्म ये बताता है क्या संबंध किनके किनके बीच में किसी कल्चरल ग्रुप, सांस्कृतिक समूह और उनके प्राकृतिक वातावरण के बीच में संबंध बताने वाला इनमें से कौन सा शब्द है, ठीक है। आई होप मैंने ठीक ट्रांसलेट कर लिया आपके लिए, आपको समझ में आ रहा है। ये चार आपके ऑप्शंस हैं। पहला है कल्चरल इकोलॉजी, फिर है कल्चरल कन्वर्जेंस, फिर है कल्चरल डिफ्यूजन, और फिर है कल्चरल हर्ट्स। अच्छा, स्पेलिंग ये हर्ट हो गई है, यहाँ पे हर्थ होगा, ठीक है। आपका टाइम स्टार्ट होता है राइट नाउ। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए, और चैट में नहीं, यहां पोल में पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। चैट में नहीं दिख पाएगा आंसर, पोल में आप लोग पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर, कौन सा, ऑप्शन ए। ज्यादातर लोगों ने वही करा है, जिन लोगों ने नहीं करा, आज का पहला कॉन्सेप्ट हमने वही पढ़ाया था आपको, कल्चरल इकोलॉजी क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट का किसी कल्चरल ग्रुप पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसको समझना है तो हम क्या पढ़ते हैं, कल्चरल इकोलॉजी, ठीक है। हमने एग्जाम्पल्स भी दिए आपको, टेरेस फार्मिंग, एस्किमोज, ट्रांस ह्यूमंस प्रैक्टिस करने वाले लोग, तो ये क्या है, कल्चरल इकोलॉजी का पार्ट है, समझिए इस चीज को। कल्चरल इकोलॉजी में हम बेसिकली क्या देखते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट का किस चीज पे, कल्चर पे। कल्चर का दो पार्ट है, देखो एक सेकंड, मतलब सोसाइटी पे या किस पे, वहां के कल्चरल लाइफ पे किस चीज का इम्पैक्ट पड़ रहे हैं हम, नेचुरल इन्वायरमेंट का, ठीक है। ये इक्वेशन जहां आपको पढ़ने को मिलती है वो क्या है, कल्चरल इकोलॉजी। इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। देखिए, डिफ्यूजन में हम क्या देख रहे थे कि एक जगह से, एक एरिया से जो कल्चरल आइडियाज होते हैं वो कैसे डिफ्यूज होकर के, मतलब स्प्रेड आउट हो जाते हैं, फैल के दूसरी जगहों में चले जाते हैं, ठीक है। जैसे देखो, बर्गर, बर्गर कहाँ का भोजन था और आज हर जगह मिलता है। कॉफी, टी, टी कहाँ से निकल के आज पूरी दुनिया में मार्केट है इसका। इंडिया के जो मसाले थे वो आज पूरी दुनिया में लोग पसंद करते हैं, उनको उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये इस तरह से फूड कल्चर का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फूड, इसका डिफ्यूजन हुआ। उसी तरह से कपड़ों के प्रकार जो है, जैसे कोट पहनना, ब्लेजर्स पहनना, है ना, या फिर साड़ी वगैरह जो है, या सूट का ही जो कल्चर है वो कहाँ से कहाँ आ गया। ऐसा आ गया है कि लोग अब बुद्धिहीनता से सूट पहनते हैं, है ना, गर्मियों की शादी में भी बढ़िया सूट ब्लेजर पहन के लोग जाते हैं, पूरा पसीना टपक रहा है लेकिन पहनेंगे सूट ही। तो ये क्या है, एक तरह का कल्चरल डिफ्यूजन है। कल्चरल कन्वर्जेंस का क्या मतलब होता है, जैसे डिफ्यूजन का मतलब फैलना होता है, कन्वर्जेंस का मतलब होता है कई जगहों के कल्चरल चीजों का एक जगह पे आकर के मिल जाना। और जब कन्वर्जेंस होता है ना, तो डिफरेंट कल्चर्स के बीच में जो बाउंड्रीज होती हैं वो धीरे धीरे मिटने लगती हैं या फिर ब्लर हो जाती हैं। और दोनों ही जो, जैसे मान जो ये ए का कोई कल्चर है और एक बी अलग कल्चरल ग्रुप है, और ये अगर बार बार इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा टाइम के तक, तो ये अपने कल्चरल आइडियाज, इनके कल्चरल आइडियाज बी के पास चले गए, बी के कुछ कल्चरल आइडियाज ए के पास चले गए, और ओवर द टाइम कुछ टाइम के बाद इन दोनों कल्चर के बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रह जाता है, दोनों में सिमिलैरिटीज ज्यादा देखने को मिलने लगती है रेदर देन डिफरेंसेस के, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, कल्चरल कन्वर्जेंस होता है।
जैसे देखो इंडिया में पहले क्या था, सिर्फ आर्यन कल्चर था या द्रविडियन कल्चर था, ये दो तरह के कल्चर थे। आर्यन कल्चर नॉर्थ में कहा जाता है था, और द्रविडियन कल्चर कहाँ था, साउथ इंडिया में था, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, बाहरी मुल्क से आक्रमण हुआ, ठीक है। तो उसके बाद आज इंडिया में आपको यही दो कल्चर नहीं देखने को मिलते हैं, इसके अलावा इस्लामिक कल्चर है, इसके अलावा क्रिश्चियनिटी है, फिर जो क्या कहते हैं पर्शिया से जो लोग आए, पारसी लोग आए, एक उनका अपना कल्चरल हिंद है, और फिर हमारे यहाँ भी और कुछ कुछ डेवलप हुआ। तो इस तरह से बाद में क्या हो गया, कन्वर्जेंस हो गया इन सारे आइडियाज का, इन सारे पार्ट का इंडिया में। तो अभी इंडिया के पास बहुत अलग अलग तरह के कल्चर देखने को मिलते हैं, और कहीं ना कहीं क्या है, इन सबके बीच में बहुत डिफरेंस नहीं, क्योंकि जब लोग एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं, अपनी बाउंड्रीज हैं, डिसिमिलैरिटीज भी हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा क्या है, सिमिलैरिटीज हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, कल्चरल कन्वर्जेंस कहते हैं। कल्चरल इकोलॉजी, नेचुरल इन्वायरमेंट का प्रभाव, कल्चरल कन्वर्जेंस, अलग अलग जगह के कल्चर का किसी एक जगह आकर के मिल जाना, और वहां पर वो डिफरेंसेस का धीरे धीरे खत्म हो जाना। डिफ्यूजन, एक जगह के कल्चरल एलिमेंट्स का, कल्चरल के आइडियाज का दूसरी जगहों पर फैल जाना, दैट इज कल्चरल डिफ्यूजन। ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे कल्चरल हर्थ होगा, HERTHS, कल्चरल हर्थ मतलब क्या, संस्कृति का पालना। कितने हैं, ओरिजिनली 7 हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही अलग बात हो गई, यहाँ इम्पैक्ट वम्पैक्ट की बात नहीं है, तो एक लोकेशन है। और ये क्या है, ये अलग अलग प्रकार की घटनाएं हैं जो कल्चर के साथ जोड़ करके हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। होप आप लोग को अभी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये। दूसरा है, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज डिफाइंड एज अ कंटिन्यूअस ज्योग्राफिकल एरिया कैरेक्टराइज्ड बाय कल्चरल होमोजेनिटी। ठीक है, होमोजेनिटी क्या होती है, एक जैसा होना, होमोजेनस होना मतलब एक जैसा होना, समरूपता होना, उसको हम कहते हैं कल्चरल होमोजेनिटी। क्या बोलेंगे इसको हम, समरूपता होना, ठीक है। क्या कह रहा है, अ कंटिन्यूअस ज्योग्राफिकल एरिया कैरेक्टराइज बाय कल्चरल होमोजेनिटी। इनमें से कौन सा एक क्षेत्र है जो इस डेफिनेशन को बिल्कुल सही सही समझ बताता है, जिसको या जिसको ऐसे डिफाइंड परिभाषित किया जा सकता है कि वो क्या होगा, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होगा जहां पर सांस्कृतिक समरूपता दिखाई देगी। तो कौन सा होगा इसमें से, पहला ऑप्शन है पॉपुलेशन रीजन, दूसरा है ज्योग्राफिकल रीजन, तीसरा है कल्चरल रिलीव, या फिर कि चौथा सेटलमेंट जोन। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को, पूरा 1 मिनट का टाइम देते हैं हम आपको इसके लिए, थोड़ा आराम से इसको पढ़िए, आराम से देख के समझ के इसका आंसर कीजिए। चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। सभी लोग यहाँ पार्टिसिपेट कीजिएगा, ठीक है। अगर कुछ गलत भी हो गया तो कोई नहीं, अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, आपका टाइम ओवर हो गया, और मोस्ट ऑफ द लोगों ने आंसर क्या किया है, कल्चरल रिलीम, ठीक है। ज्यादातर लोगों ने आंसर किया है कल्चरल रिलीम, विच इज राइट, ये सही आंसर है। देखो, ज्योग्राफिक पॉपुलेशन रीजन क्या होता है, जहां जो पॉपुलेशन रीजन को जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे वो कि एक तरह का क्या है, आबादी का क्षेत्र है, तो वो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक तरह की आबादी में डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर तो हो ही सकते हैं ना। इंडिया एक पॉपुलेशन रीजन को अगर मान लो कि इंडिया एक पॉपुलेशन रीजन है, तो यहाँ डिफरेंट टाइप के कल्चर्स तो है ही, एग्जिस्ट करते ही है। अच्छा, ज्योग्राफिकल रीजन क्या होता है, मतलब इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री को नहीं, ज्योग्राफिक उस जगह की ज्योग्राफी को इंपॉर्टेंस दिया जाता है।
अगर इंडिया को ज्योग्राफिकल रीजंस के हिसाब से बांटेंगे तो कितने सारे रीजन बन जाएंगे, प्लेन रीजन है, नॉर्थ का माउंटेनियस रीजन है, सेंट्रल हाईलैंड एक रीजन है, कोस्टल प्लेन्स एक रीजन है, आइलैंड्स एक रीजन है, वेस्ट का डेजर्ट एक रीजन है। तो वो क्या हो गया, वहां पे इंपॉर्टेंस किस चीज की हो गई कि उस रीजन की ज्योग्राफी कैसी है, लेकिन यहाँ किस चीज को कह रहा है कि उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कि कल्चरल होमोजेनिटी होगी, सांस्कृतिक समरूपता होगी। तो कोई जरूरी नहीं है कि ज्योग्राफिकल रीजन में तो संस्कृति को तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन से ही कोई मतलब नहीं है। अब संस्कृति तो क्या बोलते हैं, लोगों की होती है ना, और ज्योग्राफिकल रीजन में क्या देखा जाता है कि वहां की ज्योग्राफी कैसी है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। पॉपुलेशन रीजन में क्या देखा जाता है कि पॉपुलेशन कैसा है, तो एक तरह के पॉपुलेशन समूह का डिफरेंट कल्चर हो सकता है। जैसे जब समझिए हमारे यहाँ सेंसस किया जाता है तो उसका रिजल्ट कैसे आता है, स्टेट वाइज आता है या बहुत छोटे लेवल पे विलेज लेवल वाइज आता है, और शहरों में उसको म्यूनसिपैलिटी में वार्ड वाइज आता है। तो एक वार्ड में वो एक तरह का मान जाएगा, उसको पॉपुलेशन रीजन मान ले वार्ड को, तो उस वार्ड में भी तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल रह रहे होंगे जिनका अलग अलग तरह का कल्चरल प्रैक्टिसेस होंगे, है ना। तो पॉपुलेशन रीजन भी कल्चरल रीजन नहीं है, ज्योग्राफिक रीजन भी कल्चरल रीजन नहीं है, सेटलमेंट जोन भी क्या है, इन्हीं कारणों से सेटलमेंट जोन भी कल्चरल रीजन नहीं है। सेटलमेंट जोन कैसे होते हैं, दो तरह के होते हैं, या तो अर्बन होगा या तो रूरल होगा, और अर्बन और रूरल के बीच में जो फ्रिंज एरिया होगा उसमें फिर अलग अलग टाइप के सेटलमेंट होंगे, है ना। जो सेटलमेंट जोन होते हैं वो क्या हो सकते हैं, वो प्राइमरली दो टाइप के होते हैं, ठीक है। जब हम लोग सेटलमेंट का पेपर पढ़ेंगे ना तो ये चीजें वहां पे और अच्छी हो जाएंगी समझने की दृष्टि से। और दूसरा क्या होता है, रूरल होता है। फिर अर्बन और रूरल के बीच में जो ये एरिया है इसको अलग अलग चीज कह सकते हैं, इसको फ्रिंज एरिया कहते हैं, इसको अमलैंड भी कहा जाता है। कब क्या कहा जाता है और किसने क्या कहा था, ये हम लोग जब इसको इस पेपर को पढ़ेंगे तब तो इसको देखेंगे। यहाँ पे सेटेलाइट टाउन्स हो सकते हैं, यहाँ पे और भी क्या बोलते हैं, इस आउटस्कर्ट में बहुत तरह का सेटलमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, यहाँ पे उस सेटलमेंट का फंक्शनल रोल देखा जा रहा है कि अर्बन होगा तो किस तरह के फंक्शंस होंगे, रूरल होगा तो किस तरह के फंक्शन होंगे, कैसे वाले फंक्शन, इकोनॉमिक फंक्शंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है सेटलमेंट लाइंस को जब हम ड्रॉ करते हैं। तो इन तीनों में क्या है, किसी में भी कल्चर की बात तो नहीं है। यहाँ पे देखो इसका कल्चरल रिलीम, यहाँ पे वर्ड ही कल्चर है इसके आगे, और रियल तो हम लोग जानते ही हैं कि सबसे हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्या होता है, कल्चरल रीजन होता है। यहाँ क्या होगी, कल्चरल होमोजेनिटी, कोई भी कल्चरल रीजन होगा तो उसमें कल्चरल होमोजेनिटी होगी, लेकिन यहाँ से कोई भी कल्चरल रीजन नहीं है सिवाय ऑप्शन सी के, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कल्चरल रेल्म, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेंजेबल हेरिटेज ऑफ कल्चर, इसमें से कौन सा हेरिटेज का एक क्या पार्ट नहीं है, टेंजेबल पार्ट नहीं है। हाँ देखो ना, नॉट है, नॉट को जरूर गौर कीजिएगा आप लोग, जस्ट अ मिनट। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स। आर्टिफैक्ट्स मतलब वो जो सुंदर चीजें होती है ना, जैसे पेंटिंग्स हैं, ड्राइंग्स हैं, क्या कहते हैं, कोई किसी तरह का इस तरह का कोई चीज बनाया हुआ है जो हाथ से है, वो सब आर्टिफैक्ट्स होते हैं। नॉलेज है, बुक्स हैं, तो इन चारों में से कौन सा किसी भी कल्चर का टेंजिबल हेरिटेज नहीं है, मतलब जिसको फिजिकली टच नहीं किया जा सकता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए चलिए, आप आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और फिर अपने ऑप्शंस को चूज कीजिएगा, ठीक है। समझने जो भी टाइम है समझने में लेना इस क्वेश्चन को। हमने हेरिटेज के दो पार्ट बताए हैं, टेंजिबल इनटेंजिबल, अब आपने उसी हिसाब से उसी अकॉर्डिंग इसको आंसर करना है। ठीक है, टाइम ओवर होता है।
और आज के लीडर बोर्ड पे तो पायल का नाम सबसे ऊपर है, देन संचिता एंड प्रिंस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, होप सब लोग समझ रहे हैं इसका आंसर क्या होगा। जिन लोगों ने नहीं करा है कोई बात नहीं, यहां से आप समझ जाइए, नॉलेज होगा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी, यू कांट टच द नॉलेज ऑफ एनी पर्सन, यू कैन टच द बुक्स। हाँ, किताबों को आप छू सकते हैं। मॉन्यूमेंट्स, पुरानी हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स होती है ना, उनको मॉन्यूमेंट्स के दर्जे में रखा जाता है, ठीक है। जैसे आगरा का फोर्ट है, या एलोरा केव्स है, या खजुराहो है, सांची का स्तूप है, ये सब क्या है? मॉन्यूमेंट्स है। आर्टिफैक्ट्स में क्या है? जो भी पेंटिंग्स हैं या कोई भी ऐसी चीज है, ड्राइंग्स हैं, वो सब आर्टिफैक्ट्स में आते हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वहां पे बना है वो आर्टिफैक्ट्स में आता है, जो दिखने में सुंदर है। तो ये सब चीजें क्या है? टेंजेबल है, इनको आप छू सकते हो। पेंटिंग्स को छू सकते हो, मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स को जाके छू सकते हो, बुक्स को छू सकते हो, बट नॉलेज को आप टच नहीं कर सकते हो। बेसिकली नॉलेज आप किसी के अंदर है या नहीं है, इसको क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो कि हाँ, इसने ये बात बोली, ये नॉलेजेबल बात है। जैसे हमारे यहाँ, जैसे आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद क्या है? हमारा नॉलेज है। अगर आयुर्वेद, आयुर्वेद की बुक्स भी अवेलेबल हैं, पर जिसके घर में आयुर्वेद की बुक नहीं भी है, उसको भी कुछ ना कुछ आयुर्वेद की चीजों का नॉलेज होगा। जैसे ठंड के दिन में क्या है, आंवला मिलता है तो लोग च्यवनप्राश खाते हैं, है ना। अभी आप घी खा सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कहेंगे ना कि भाई, अगर स्किन आपकी बहुत ड्राई फील कर रही है तो आप एलोवेरा जेल अप्लाई कर लीजिए। ये क्या है? ये नॉलेज है, और ये इसको इसको कोई हटा नहीं सकता। ये जनरेशन टू जनरेशन जाने वाली चीज है, वो है नॉलेज। तो नॉलेज क्या हो गया? इनटेंजिबल पार्ट हो गया। और यही पूछा था, जो जो चीज टेंजिबल ना हो, तो जो टेंजिबल नहीं है वो क्या है? इनटेंजिबल है। देखिए, आज का जो हमारा स्लाइड था टेंजिबल और इनटेंजिबल का, ये यहाँ पे था, है ना, कि टेंजिबल हेरिटेज इंक्लूड बिल्डिंग्स एंड हिस्टोरिक प्लेसेस, मॉन्यूमेंट, आर्टिफैक्ट्स विच आर कंसिडर्ड वर्दी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फ्यूचर। तो ये चीजें क्या है? टेंजिबल है। क्या क्या? मॉन्यूमेंट, हिस्टोरिक प्लेसेस, आर्टिफैक्ट्स, बिल्डिंग्स, ये सब टेंजिबल है। इसके अलावा बाकी चीजें इनटेंजिबल हैं। जैसे यहाँ इनटेंजिबल का यहाँ पे हमने रखा था, इंडिया में क्या क्या चीजें इंटेंजिबल हैं? जो वैदिक चैंटिंग्स हैं, मंत्रों का उच्चारण, ये हमारा इंटेंजिबल नॉलेज है, इंटेंजिबल हेरिटेज है। उसी तरह से क्या कहते हैं, रामायण, छाउ डांस, बुद्धिस्ट चैंटिंग, चैंटिंग ऑफ लद्दाख, ये सब मणिपुर में जो एक डांस फॉर्म है जिसको संकीर्तन कहते हैं, रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग एंड डांसिंग है, ये मणिपुर का है। ये क्या है? इंटेंजिबल हेरिटेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या होती है चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। और क्या पूछ रहे हो रितेश? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसमें ग्रीन दिखा रहा होगा, मे बी वो मुझसे क्या कहते हैं, क्लिक करने में कहीं पे गलती हो गई होगी। कोई बात नहीं, मैं तो बता तो रही हूँ ना आपको कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है, और एक्सप्लेन भी कर ही रही हूँ कि कौन सा आंसर क्यों सही है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये थी आज की आपकी क्लास, कल्चरल ज्योग्राफी का सेकेंड पार्ट था हमारे क्लास का, सेकेंड लेक्चर था, फ्री क्लास था ये। आई होप आप लोगों को ये क्लास काफी फ्रूटफुल लगी होगी, सब कुछ समझ आया होगा। और कुछ भी आप लोगों के क्वेश्चंस हो, कंफ्यूजन्स हो, आप चैट में उसको लाइए और हम लोग उसको जरूर रिजॉल्व करेंगे, देखेंगे, ठीक है। और एक दिन हमारे पास डाउट क्लियरेंस क्लासेस भी होंगी, अगर बहुत ज्यादा आपके डाउट्स होंगे तो उनको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ओके। सो दैट्स फॉर, और आपकी और दो फ्री क्लासेस जो है ना, वो यूट्यूब पे भी हैं, वो फ्राइडे और सैटरडे को हैं, ठीक है। और ये दो फ्री क्लासेस जो है वो मंडे और वेडनेसडे को हैं। इसके अलावा पेड क्लासेस हैं। पेड क्लासेस में हम लोग बिल्कुल सिलेबस को, एक-एक सब्जेक्ट को के अंदर जो जो चीजें हैं, जो जो टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, स्टेप बाय स्टेप उसको पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये क्लासेस अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, फ्रूटफुल लग रही है, तो आप लोग प्लीज अकेडमी पे के जो अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां की क्लासेस को भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। आज की क्लासेस इतनी ही थी। हैव अ गुड डे अहेड।